हेलो सर, हेलो सर, तुम्हें जीतना कैसा लगता है? हम हर बार जीतना चाहते हैं सर। जीत से दोस्ती कर लो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हार से प्यार करो, वो जीतने में तुम्हारी मदद करेगी। अपना रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा? 5 बार सर। 5 times सर। 100 meter कितनी बार और 200 meter? 100 meters 3 बार सर। मेरे ड्राइवर को बोल के आओ कि वो तैयार रहे। ठीक है सर। तुम इधर आओ। वैसे तो मैं किसी को सलाह नहीं देता, लेकिन तुम्हें देना चाहता हूं। हमें हमेशा जीतने के लिए भागना चाहिए, किसी को हराने के लिए नहीं। हराने वाला हमेशा तुम्हारे पीछे भागेगा और हमेशा पीछे ही रहेगा। जो जीतना चाहता है वो आगे रहेगा और हमेशा जीतेगा ही। जीतना किसी को हराना नहीं है, समझ गए? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आप आपके फेवरेट गाने सुन रहे थे, अब बारी है मेरा फेवरेट गाना सुनने की, जो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। This is RJ Parvati signing off. आप सुन रहे हैं 98.3 FM, बहुत हॉट है गुरु। हाय पल्लवी, भागी भागी कहाँ जा रही है? मुझे डैड आने से पहले घर पहुंचना है। ओके बाय। हेलो सर, आप राजा राम है ना? आप मुझे भगा कर ले जाएंगे तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगी। ए, पहले मेरे साथ तो भाग ले। भगोड़ी किस्म की लड़की पढ़ाई है तूने? आज मैं पहली बार इसके साथ भाग रही हूँ। सर, इसे मेरे साथ ही भागने दो। तो जल्दी शुरू कर, मैं रेस में उतरा तो खून क्या शुरू होएगा। तुम्हारे मुंह में क्या है? त्याग लय की धुन। तुम्हें तो चुप रहो, ये त्याग लय की धुन नहीं है, त्याग राज की है। ठीक से बोलना सीखो। अब बताओ गाना कैसे गाओगे? मुंह में चॉकलेट जो भर के रखी है। रियाज ठीक से चल रहा है ना? पापा, डिनर में क्या बनाऊं? आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए भूख नहीं है। खुशी का खाने से क्या संबंध है पापा? वही जो स्कूटी और सिग्नल का संबंध है, दोनों का एक दूसरे से वास्ता नहीं है। सिर्फ गाने ही नहीं, एफएम पे तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। कल से छुप कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी पापा, मुझे लगा आप मना कर देंगे। बेटा, तुम नहीं बताओगी तो रेडियो तो बता ही देगा। ओए, मुझे थैंक यू नहीं कहोगे?
मैं याद नहीं दिलाती तो हमारे दिलों पे धूल लग जाती। थैंक्स। तुम यहाँ नहीं हो ना? आज मैं स्टेडियम गया था, रॉबिन मिला। मैंने आज उसे भागते हुए देखा। एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या? तुम दोनों को उसे गिफ्ट कर दूँ? हम दोनों को? सच में दे दोगे? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमें अलग मत करो प्लीज। बकवास मत करो, वो कोई मामूली एथलीट नहीं है, अपना ये रिकॉर्ड 5 बार तोड़ चुका है। तुम्हें याद है कि तुमने अपना रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा है? तुम सब भूल गए हो क्या? हमारा प्यार भी। हे, यहाँ पड़े पड़े क्या करोगी? वहाँ कम से कम उसके काम तो आओगी। राम, क्या कहा तुमने? हम इंसान नहीं इसलिए कहा ना, भले हमें जान नहीं है पर हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, दूरी में भी करीबी का एहसास होता है। मैं जानती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस प्यार की तुम्हें आदत लग गई है। तुम एक रनर हो, जितने पर भी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। तुम कभी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। तुम कभी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। क्या सोच रहे हो भाई? आसमान हमेशा नीला दिखता है, लेकिन इसमें सारे रंग होते हैं, कल्पना से भी परे, एक पेंटिंग जैसा। भाई आसमान देखोगे तो सिर्फ एक ही रंग दिखेगा, लेकिन अगर लड़की देखोगे तो बहुत सारे रंग नजर आएंगे। ऐसा क्या है लड़कियों में? भाई इसके लिए तो प्यार करना पड़ेगा। मुझे तो पहले प्यार हो चुका है। किससे? अपनी रनिंग से। अरे भाई सुनो तो, मैं भी आ रहा हूँ। ये बात और है कि मैं तुम्हारी जितना तेज नहीं भाग सकता। अरे यार आज ये फिर मुझे यहाँ ले आया। आज ये क्या कह रही है? फ्लाइंग किस दे रही है? हाँ? स्पाइक तुझे फ्लाइंग किस दे रही है? भाई हमें कब मौका मिलेगा जरा पूछना। चप्पल से मारूंगी। बोल रही है तुझे चप्पल से मारेगी। अच्छा बेटा, जूते कब से चप्पल पहनने लगे यार? एक बार प्यार करके देख, जूतों में चप्पल नजर आएगी। भाई वाइजाग में एक बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल है, तुझे वहीं लेके जाऊंगा। जरा खुद को देख यार, आसमान से फ्लर्ट कर रहा है, जूतों के प्यार में पड़ रहा है और लड़की से दूर भाग रहा है। यार तेरे बारे में ना मुझे टेंशन हो रही है। देख अगर मैं ये स्पाइक पहनकर भागूंगा तो आसमान तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह! स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और फिर सीधा ओलंपिक्स। यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ही लेते हैं। अच्छा चाय के लिए 10 रुपए हैं क्या? नहीं है यार। स्पाइक्स की कीमत जानता है? 6,000 रुपए। इच्छाओं पर थोड़ा काबू रखे यार, सब कुछ तो है तेरे पास। अरे यार क्या ड्रेस है? एक्सक्यूज मी, थोड़े अच्छे ड्रेस पहना करो ना। हाँ तो आजा शॉपिंग करा दे लो फिर। अरे बाप रे, सच कहो तो बुरा लगता है। जेब में पैसे नहीं है फिर भी लड़की के पीछे भाग रहा है। मैं तो सिर्फ सपनों के पीछे भाग रहा हूँ, सपने लड़कियों से ज्यादा अपने होते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम जाओ। ओके टीचर। नमस्ते। बेटा स्वामिनी। जी टीचर। घर वालों को याद दिलाया? कल पैसे ले आऊंगी टीचर। भूलना मत बेटा, 3 महीने की फीस बाकी है। ठीक है टीचर। मैं बहुत उदास हूँ, भूख नहीं लग रही है। मुझे पता है जब तू उदास होता है तुझे भूख नहीं लगती, क्या बात है। मेरे बचपन में तुम कितनी सुंदर दिखती थी और अब देखो चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। तेरी माँ बूढ़ी हो रही है। सब मेरी वजह से। तेरी वजह से क्यों? मैं तभी खाऊंगा जब तुम खिलाओगी, नहीं खाना मुझे। चुप रह, खा लो। नहीं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम क्यों नहीं खाओगी?
जब तू उदास होता है तो तुझे भूख नहीं लगती है ना, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी अच्छी माँ, मुंह खोलो। अगर बेटा खाना खा ले तो माँ की भूख अपने आप शांत हो जाती है। चलो खाना खाओ। माँ मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं? और तेरी पढ़ाई का क्या? अरे मैं एथलीट हूँ, उसी में आगे बढ़ूंगा। पढ़ाई लिखाई के बिना उससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ माँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर एक काम कर, तेरे पापा मेरे गले का मंगलसूत्र ले गए, तू मेरे लिए गोल्ड मेडल ले आ, मैं उसे गले में पहनूंगी। नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, तू भाग कर जाना और मेडल ले आना। लाएगा ना? राम कम ऑन, स्पाइक्स पहनो जल्दी। मैं बिना स्पाइक्स के भागूंगा सर, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भागना सेफ नहीं है, मेरी बात मानो। मेरे पास अपने स्पाइक्स हैं। ठीक है तो वही पहन लो। अभी मैंने खरीदे नहीं है, शोरूम में। ये हंस क्यों रही है? ए राम, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो स्पाइस खरीदे बिना तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ वो मेरे अंदर की फीलिंग है सर, खरीदने से नहीं आएगी, और आएगी तो जाएगी नहीं। राम मेरी बात मानो और ये पहन लो। राम हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी पहनो। अरे बोला ना सर, नहीं पहनूंगा। मेरी बात सुनो। ए राम, यहाँ हर यूनिवर्सिटी से प्लेयर आए हुए हैं। The competition is going to be tough. All participants, get ready for the race.